हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। हमें आज एक बहुत ही तगड़ा शेयर मिला है जिसने वीकली काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एस्ट्रल लिमिटेड जो है, ये काफ़ी तगड़ा जो ब्रेकआउट है इसमें वीकली में हमें देखने मिल रहा है। और इसके क्या टारगेट हो सकते हैं, और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए ये बहुत ही अच्छा पिक रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या आपके पास ये शेयर पहले से ही पड़ा हुआ है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो आगे के टारगेट के लिए। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आगे क्या टारगेट हो सकते हैं और ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर जाने की। तो फंडामेंटली अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा शेयर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो कि चार्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी बीच में जो है कंसोलिडेशन फेज था ये वाला, कम से कम 2023 जून 2023 से लेके और 2024 फरवरी तक जो है ये वीकली चार्ट है। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग जो है मिली है, ये काफ़ी तगड़ी माराबुजू कैंडल है माराबुजू। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, और एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरे चैनल के इंटरफेस से आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन बुल्स नाम से। तो यहाँ पे हम बहुत सारे शेयर जो होते हैं उनका एनालिसिस वीडियोस पोस्ट करते हैं। हाल ही में मैंने यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज़ का, नेशनल एल्यूमिनियम का, इनका रिसेंटली मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो मैंने कौन से टारगेट दिए और इसके बाइंग लेवल्स क्या होने वाले हैं, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये सब आप जानकारी इससे ले सकते हो। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर बेस जो अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए कुछ बहुत ही खास जो इंडिकेटर्स होते हैं जो एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं, तो उनका भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हो चैनल से जुड़ के। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो लाइव मार्केट में जो है हम निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ कॉल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं लाइव मार्केट के जहाँ पे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको अगर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में ये वाला, तो आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगर देखो कि यहाँ पर वीकली में ये मैंने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, ये काफ़ी अच्छा जो फ्लैग पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न होता है इसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। और इसका जो है यहाँ पे आप इसी पॉइंट पे यहाँ पे बाय कर सकते हो, जो कि क्लोजिंग जो है 2075 रुपीस का जो क्लोजिंग मिला है इसी पॉइंट पे आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ये फर्दर आप मूव करने वाला है मंडे से, और उसके बाद अगर रिटेस्ट करने कुछ आता है 2062 के लेवल पर वापस अगर रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो ये अपसाइड मूव के लिए। तो इसका जो टारगेट है अगर हम यहाँ से प्रिडिक्ट करें, इस कैंडल से ये जो रन शुरू हुआ है यहाँ से अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तो 0.5 का लेवल है, और इसको अगर मेजर करेंगे यहाँ से 0.5 से लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे अप जो इसका आएगा, एक मिनट में इसे कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, इसका जो 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है वो अपसाइड जो है मूव कितने पॉइंट का दे सकता है या कौन सा उसका अगला वाला टारगेट होने वाला है। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास इसका जो है कैलकुलेशन, मैंने चार्ट है मेरे पास एक जिसके देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर अपसाइड जो टारगेट होने वाला है ये आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है ये यहाँ पे यूज़ करके आप फर्दर टारगेट जो है निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका होता है एक अपसाइड मूव के लिए कितने ऊपर जा सकता है। तो ये वाला जो इसका मूव है ये 0.5 का जो है 2 का निकल के आता है जो अपसाइड मूव होता है, ये 0.5 पे अगर रिट्रेसमेंट करता है यहाँ से अगर आप मूव देना शुरू करता है तो ये वाला होगा इसका अगला टारगेट, आप इसे मार्क करके रख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ये 2350 जो है ये लेवल निकल के आ रहा है इसका। और दूसरी बात, अगर ये जो पोल है
इसका भी आप मेजर कर सकते हो। यहाँ से पोल का जो जितना अपसाइड का ये पोल का जितना लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोल है, ये भी आप एक मेजर कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट होगा 2635 रुपया। और शॉर्ट टर्म अगर देखोगे तो ये जो फ्लैग होता है, इस फ्लैग को अगर आप मेजर करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होगा आपका शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट, जो कि ये वाला टारगेट निकल के आ रहा है। ये जो 2350 का जो है, ये आपका शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट होगा ये 2350। और फर्दर जो ये रिटेस्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पे बाय करते हो या ये सीधा ही चला जाता है, तो 2350 रुपये ये आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। इसका जो होल्डिंग पीरियड होगा आपका 2350 रुपये का जो टारगेट है, इसका आपका 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड होगा। कम से कम यहाँ से आपको 2-3 से 4 कैंडल तक वेट करना है। हो सकता है ये एक कैंडल और बनाए फिर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाए। तो दो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उस हिसाब से 2350 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 2635 जो है ये आपका सेकंड टारगेट होगा। इस पैटर्न के हिसाब से ये जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाले टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वीकली में हम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी तगड़ा हमें वॉल्यूम देखने मिला है। ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो है ये काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने मिला है वीकली में। अगर ये वॉल्यूम कैंडल्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है इस कैंडल पे आया है, और ये वाला जो सेकंड अभी ब्रेकआउट कैंडल है इसमें भी काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम हमें वीकली में देखने को मिल रहा है। और इसका अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखोगे तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका 1700 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि सेफ एसएल रहेगा। 1700 रुपये का एसएल, 1730 का आप एसएल रख सकते हो, 1720 या 1730 का। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2075 रुपये चल रहा है, तो आपका 375 रुपये के आसपास जो है आपका 360 से लेके 375 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके अगेंस्ट अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो काफ़ी अच्छा तगड़ा जो है रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो इस पॉइंट पे, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर टारगेट देखोगे यहाँ पे तो 1:1 लगभग मिल रहा है। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करते हो इसे कम से कम 6 महीने के लिए, हो सकता है उसके अंदर ही आपको टारगेट मिल जाए, लेकिन हम 6 महीने का टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 1:2 का लगभग हमें टारगेट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आपका होगा, जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसे थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि इन्वेस्टिंग के लिए तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो डेली आपको जो है मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉप लॉस आपका ट्रेड करना पड़ेगा। और अभी इस तरीके से अगर देखेंगे वीकली में हमें ये ब्रेकआउट कैंडल जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोजिंग मिला है। और डेली में अगर देखेंगे हम, डेली में भी एक बार चेक कर लेंगे इसे, तो ये पैटर्न जो है आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैटर्न हमें देखने मिला है। यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है इस पॉइंट पे ला सकते हो 1830 पे। उससे ऊपर अगर आपका ये फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो आप इसे 1920 रुपये जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब ट्रेल करना है आपको। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है डेली में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे डेली में भी तो यहाँ पर ये वाला भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया अभी, तो इस कैंडल को अगर कंसिडर करोगे तो ये भी डेली में भी देखोगे तो काफ़ी मारबू जो तगड़ी वाली कैंडल यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। और वॉल्यूम भी अगर देखोगे, वॉल्यूम भी काफ़ी यहाँ पे हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो में, और ऐसे कुछ तगड़े वाले स्टॉक्स जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं।
चैनल से जुड़ के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू।